एवरीवन, आई एम शिल्पी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी स्किन केयर रूटीन फॉर माय एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन। यस गाइस, आई हैव टू मच एक्ने प्रोन स्किन एंड बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है मेरी स्किन। जब से प्रेगनेंसी हुई है ना, उसके बाद से मुझे इतने ज़्यादा पिंपल्स, इतने ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं ना। आप यहाँ पे एक्ने मार्क्स देख भी सकते हो, मैंने एकदम क्लोज करके क्लोजअप एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ मैं सामने, तो आप लोग चेक कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा एक्ने प्रोन है मेरी स्किन। और जब भी मैं ना मेकअप वगैरह करती हूँ तो और भी ज़्यादा एक्ने, ये सब चीज़ें मार्क्स निकलने लगते हैं, मतलब बहुत सारे एक्ने निकलने लगते हैं अराउंड माय माउथ, नोज़, यहाँ पे चिन एरिया पे बहुत ज़्यादा एक्ने होने लगते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं जो भी स्किन केयर फॉलो कर रही हूँ ना, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोग में से बहुत सारे लोगों के लिए ये हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। सो मेक श्योर कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। स्टेप बाय स्टेप मैं सारे रूटीन बताऊंगी, बहुत ही इजी है, 4 to 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है। एंड इन केस अगर आप किसी और फ्रेंड्स को या फैमिली में किसी मेंबर को ज़रूरत हो तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं एंड वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर सकते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी सेटाफिल जेंटल क्लिंजर। बहुत सारे लोगों के लिए ये सूट करता है बट बहुत सारे लोगों को ये सूट नहीं भी करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सेंसिटिव स्किन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, बिल्कुल ही क्लियर ग्लास की तरह दिखता है ये। एंड आपको ना, जब आप अपने हाथों में फोम करना चाहोगे तो ये बिल्कुल भी फोम क्रिएट नहीं करेगा। इसको जस्ट आपको मसाज करना है अपने फेस पे 2 to 3 मिनट्स तक एंड अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। आपकी इससे मसाज भी हो जाएगी और साथ ही साथ आपका फेस क्लीन भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट लगा रखा है आपने, तब आप एक फोमिंग फेस वॉश से क्लीन करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मेरे स्किन पे भी ये वर्क नहीं करता जब मैं बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करती हूँ। मैं ऐसे नॉर्मली सुबह और शाम के लिए स्किन केयर के लिए मैं ही इसको यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मैं अप्लाई करने जा रही हूँ रोज़ वाटर एज अ टोनर। रोज़ वाटर इज़ परफेक्ट फॉर टोनिंग योर फेस। ये आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इरीटेशन हो रही है आपके स्किन पर अगर टोनर लगाने से, तो आप टोनर को स्किप भी कर सकते हो। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटिव है, सेंसिटिव है, तो आप अपने डर्मेट को से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको ज़्यादा बेटर बता सकेंगे। क्योंकि अभी आप इस तरीके से यूट्यूब पे वीडियो देख के अगर अप्लाई करते हो बहुत सारी चीज़ें जो मेरे लिए वर्क कर रही हो, मे बी आपके लिए वर्क ना कर रही हो, तो इससे बेटर होगा कि आप डर्मेट से ही सजेशन ले सकते हो। एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ये पॉन्स का जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, मेरी स्किन टाइप थोड़ी सी ऑयली है, तो मेरे लिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र बेस्ट होते हैं। ये ऑयल प्रोडक्शन को कम करते हैं, लाइक एब्जॉर्ब कर लेते हैं मेरे स्किन पे। समर्स के लिए मुझे ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगता है। इसका जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही लाइट जेल बेस्ड है और ये थोड़ा सा कूलिंग सेंसेशन भी क्रिएट करता है मेरे फेस पे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा काम सूदिंग इफेक्ट चाहिए होता है। तो मैं इस मॉइस्चराइज़र से आफ्टर क्लीनिंग माय फेस, टोनिंग माय फेस, मैं इससे मॉइस्चराइज मतलब अपने फेस को अच्छे से मसाज कर लेती हूँ, नेक पे भी मसाज कर लेती हूँ, बहुत ही काम एंड कूल इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो स्किन केयर का मतलब एक ये भी होता है कि आपको आपके फेस को ना एक सूदिंग इफेक्ट क्रिएट करना। और थोड़ा बहुत जो प्रोडक्ट बचा होता है मैं अपने हाथ पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि फेस के साथ साथ आपको अपने हाथों को मॉइस्चराइज करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड जो नेक्स्ट स्टेप मैं करने जा रही हूँ उसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इवन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो भी। आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से कोई भी सनस्क्रीन चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लैक्मे का ये टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ किया है। इससे क्या होता है ना कि कभी कभी मेरा मन जब मेकअप करने का नहीं होता है, मैं जस्ट ये टिंटेड सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ एंड उसके बाद कोई कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लेती हूँ और मेरा मेकअप डन हो जाता है बहुत ज़्यादातर केसेस में। तो ये देखिए आप कितना अच्छे से ये कवरेज भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ मैं बहुत सारा अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं अप्लाई कर लेती हूँ वो दिन भर चल जाता है, या फिर मेकअप अप्लाई करने के बाद भी मैं बार बार, तो आप टचअप दे नहीं सकते सनस्क्रीन को, तो मैं एक बार में ही अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ फेस पे, नेक पे, जहाँ जहाँ भी एक्सपोज हो रहा है वहाँ पे मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। अभी मैंने टीन एज गर्ल्स को देखा है बहुत सारी, जो स्कूल जाती हैं या फिर कॉलेज जाती हैं, अच्छे से अपना स्किन केयर नहीं करती। इवन जब मैं अपने टीन एज पे थी, मुझे स्किन केयर के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लाइक सनस्क्रीन की या फिर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मेरी स्किन टोन भी
थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता था कि डार्क था एज कम्पेयर टू आज के हिसाब से, क्योंकि अभी मुझे स्किन केयर की, मेकअप की बहुत अच्छे से नॉलेज है। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि आपका जो मेकअप है ना, वो भी एक बैरियर की तरह काम करता है आपके फेस पे, स्पेशली इन समर्स, क्योंकि आप जब सनस्क्रीन अप्लाई करते हो वो तो 2-3 घंटे के बाद उड़ भी सकता है, बट आप उसके ऊपर अगर मेकअप भी अप्लाई कर लेते हो तो आपकी जो स्किन का जो लेयर है ना, वो एक तरीके से सेफ रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप अच्छे प्रोडक्ट्स अगर यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपके स्किन पे फ़र्क महसूस होगा आपको, बहुत ही मतलब डिफरेंस मैंने फील किया है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। जब मैं अपने टीन एज में थी मेरा स्किन टोन बहुत ज़्यादा डार्क था, बट अभी जब से मैं अपने स्किन की केयर करने लगी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन ज़्यादा अच्छी हो गई है। एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई करती हूँ लनेज का लिप स्लीपिंग मास्क। बहुत ज़्यादा चैपी अगर आपकी लिप हो, बहुत ही ड्राई लिप्स हो, तो इस पे बहुत अच्छे से काम करता है, मॉइस्चराइज कर देता है आपके लिप्स को और साथ ही साथ स्क्रब भी कर देता है, एंड आपके लिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्लम सॉफ्ट हो जाते हैं। सो गाइज, ये रहा मेरा स्किन केयर रूटीन, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके गाइज, तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग ये वाली जो ऊपर वीडियोज़ दिख रही हैं वो वीडियोज़ देख लो एंड एन्जॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।